हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। लगभग अब एक महीना भी आपके पास नहीं बचा है स्टेनो की प्रिपरेशन के लिए, और यहाँ पर ऐसे में मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं कि सर मैं अगर अब लगूँ तो क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ और मैं क्या उनको रिप्लाई दूँ क्या नहीं। तो ऐसे में बड़ा स्तब्ध था, लेकिन फिर बहुत सारी बातचीत करने के बाद में बच्चों से पता चलता है कि कंडीशंस क्या हैं। सो गाइस, अब यहाँ पर मैं आज उन्हीं कंडीशन बात करने वाला हूँ कि मतलब कौन बच्चा ऐसा है जो अगर अब लगे तो सिलेक्शन ले सकता है या नहीं, यानी कि एक महीने में सिलेक्शन संभव है या नहीं है, किन स्टूडेंट का संभव सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, ऐसा इसलिए बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो 2020 के तैयार बैठे हुए थे लेकिन अभी 2020 में उनका नहीं हो पाया है, सो वो एक उम्मीद लगा रहे हैं कि अब एक साल एक महीना बचा है तो क्यों ना इस पर मेहनत की जाए, क्योंकि एक महीना को ज़्यादा लंबा समय नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैं बता दूँ आपको, अगर आप लोगों ने अपना बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, मतलब इंग्लिश चाहे अपने ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन किसी से भी लेकर के आपने फाउंडेशन अपना तैयार किया हुआ है इंग्लिश का, तो गैस आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा क्लियर करना। लेकिन अगर आपका आप सोच रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल स्टार्टिंग शुरू करना है, तो स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए अब यह समय नहीं है कोचिंग करने का। सच्चाई की जो बात है बच्चों, सच्चाई की बात है, मतलब कर सकते हैं कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस कम रह जाएंगे, ध्यान रखें। लेकिन अगर आपने ऐसा है कि 2020 वाला क्लियर किया हुआ है या आपका सब कुछ क्लियर थे सभी डाउट्स वगैरह, अभी आप दोबारा उसको रिविजन करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं बच्चों। लेकिन आपको क्या है कि अपना समय थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, उसी हिसाब से दिन दोगुनी रात चौगुनी वाली मेहनत करनी होगी। यानी कि बच्चों को पता है कि इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का आना है, तो लगभग 50% रोल प्ले कर रही है, तो क्या 50% यानी कि समझिएगा अपना 50% ही आपको देना होगा इंग्लिश के लिए केवल। यानी कि जिन्होंने अपना बेसिक पूरा अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, कम से कम 6 घंटे अंग्रेजी को उन्हें देने होंगे, और वो भी सिर्फ किसी एक बुक को पकड़ गए। अगर आप सोच रहे मैं 4 बुक कर लूँ तो गलत हो जाएगा, किसी एक बुक को पकड़ लीजिएगा, किरण या MB, और उसे शुरू कर दीजिए करना। यस, और ज़्यादा अच्छा होगा कि सेल्फ स्टडी ना करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी में इस समय संभव नहीं है। अच्छा होगा कि ऑनलाइन आप किसी का भी कोर्स बाय कर सकते हैं, हमारा है किसी का भी, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सब बच्चों, ये संभव उसी के लिए है जिसने अपना बेसिक खूब अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है और वो सोच रहा है कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूँ, जीरो से करूँ और सिलेक्शन ले लूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल उसके लिए हो सकता है। हालांकि करने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कतें सामने खड़ी हो सकती हैं। तो इस तरह के मैसेजेस जो मेरे पास आ रहे हैं बच्चों के, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान ना हों आप लोग, और कम से कम कॉल ना किया करें इस तरह की मैसेज के लिए, आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप ही कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिलहाल चलते हैं बच्चों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।